स्थायी वारंटियों के खिलाफ जीआरपी का अभियान। शासकीय रेल पुलिस ने फरार स्थायी वारंटी के खिलाफ अभियान शुरू किया है। जबलपुर पुलिस मुख्यालय और एसपी के निर्देश पर लंबे समय से फरार वारंटियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत साल 2016 से फरार गाडरवारा निवासी प्रकाश ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। इसके खिलाफ लूट और अन्य मामले दर्ज हैं। रेल पुलिस मुख्यालय की के आदेशानुसार स्थायी वारंट तामीली के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय सुश्री सिमाला प्रसाद जी के आदेशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान इसरार मसरूरी साहब, पुलिस उपाधीक्षक रेलवे श्री लोकेश मार्को साहब के निर्देशन में स्थायी वारंटियों को पकड़े जाने के लिए विशेष अभियान चलाकर टीम गठित की गई थी, जिसमें सन 2016 का अपराध का आरोपी जो फरार था इस पे न्यायालय द्वारा स्थायी वारंट जारी किया गया था। वारंटी है प्रकाश ठाकुर, 32 साल का है, जो ग्राम कोड़िया थाना गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर का निवासी है, जो सकुनत से ही अपने फरार चल रहा था, जिसे टीम के आरक्षक लक्ष्मण प्रसाद एवं विजय अहिरवार द्वारा काफ़ी प्रयास कर स्थायी वारंटी को पकड़ा गया, जिसे न्यायालय पेश किया जा रहा है। कौन सा मामला इसके ऊपर बना था, किस मामले में फरार है? ये अपराध धारा है इसका 379, 356 और 392 भारतीय दंड विधान का ये आरोपी था।